न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स पर बुक फोर ए सेकेंड एडिशन पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 2 अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, यानी ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, यानी छोटे से बड़ा। ठीक है, और जब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे क्वेश्चन में, अरेंज द फ्रैक्शन स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट, यानी इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग। सही है, ये असेंडिंग है तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग, यानी पहले बड़ा नंबर फिर उससे छोटा, उससे छोटा। अच्छा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम तीनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ले लेने में हमें आसानी ये हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि हम तीनों को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2, 6 and 3 एलसीएम ले रहे हैं हम। 2 1s are 2, 2 3s are 6 और 3 as it is, 3 1s are 3 और 3 1s are 3। तो हमारा एलसीएम क्या निकला, 2 3s are 6। सही है, और अगर हम इसी को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा रहने दिया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखा 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय, ये हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस नोट डाउन कर लिए, और एलसीएम नंबर हमारा क्या आया था, 6। हम यहाँ लिखेंगे 6 6 6। अब हम कर लेंगे इसका कैंसिलेशन, यानी 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6। अब आप गौर से देखें, ये आपके पास एक नंबर आ रहा है 3, दूसरा नंबर आ रहा है 5 और तीसरा नंबर क्या आ रहा है यहाँ से, 1 2s are 2। अब आप यहाँ से जब देखते हैं तो आपको देख के पता चल रहा होता है कि हमारा कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो स्मॉलर के हवाले से क्या है हमारा, 2 2 is a smaller, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/3। तो हम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑर्डर में हमारा क्या आएगा, 1/3। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम आते हैं, सेकंड हमारा क्या है, 3, यानी स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट ये था स्मॉल, फिर इससे बड़ा है 3 और 3 का फ्रैक्शन क्या है, 1/2, ये रहा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास है 5, 5 मिडिल है, तो इसका मतलब है 5/6, तो हमारा नंबर क्या होगा, 5/6। ये हमने किस में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर है ये, असेंडिंग ऑर्डर, यानी हम अपना फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे स्मॉलेस्ट से। ठीक है, अब हम आ जाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर पे। ठीक है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, तो अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, तो सबसे पहले मैंने क्या मेंशन करना है, 5/6, फिर 1/2 और लास्ट वन इज़ 1/3। ठीक है, यानी असेंडिंग में हम यहाँ से शुरू करेंगे और डिसेंडिंग में क्या करेंगे, बैकवर्ड जाएंगे, यानी ग्रेटर से स्मॉलेस्ट की जाने। ओके, अब हम आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्रैक्शंस स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट। अब आपके पास है 2/3, 2/12 and 3/4। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।